जी की जो बजे बंसरी, कृष्ण जी की बजे बंसरी, या मंदी मंदी चाल री, ओरे दोरे ये बाग बगीचे जो बीच में से ताल री, ओरे दोरे बाग बगीचे सिलेंडर नहीं है जा लिया और गिलास दिए थे वहां बाबा है वो बूढ़ा बाबा और गेट के सामने उधर वो लाल उस लोग के वहां पानी दे क्या पानी कह रहे थे ना कोई संत महात्मा किस लिए बुला रहे हो करे एक मैया को और देखो हाँ चलो
इसमें दोनों तरफ होंगे, बीच बीच में सिर्फ ना बस डबल कर दो, बस हो गया डबल ट्रिपल सारा हो गया। इधर दे देना तुम क्या लिखा तुझे। हाँ चलो जो भी ग्यारह बजे जी जी, तो इसलिए फिर हमने वहाँ कर लिया था क्योंकि हमारे लिए अनजान थी ना जगह, हमें पता नहीं जी के पास। मैं तो जी तकरीबन 40 साल से तो यहाँ रहा हूँ, क्योंकि वो अपने इनके गुरु जी जो अपने दादा गुरु हुए जी जी, वो वहीं रहते थे घोड़ी में ही तपस्या के ना, घोड़ी में और उसमें अलावलपुर में है ना जी, गुरु जी वहीं रहे थे। गुरु जी बचपन में, बचपन में गपचन में इनके साथ जो रहे हैं, बचपन में बंचारी रहे थे, बंचारी रहे थे। जब हम भी तो ये इस स्थान की स्थापना उन्होंने की है दादा गुरु ने, दादा गुरु जीओं के द्वारा है ना जी, उसी है ना कि बोर्ड लगा हुआ है ना, मैंने बोर्ड देखा है दादा गुरु जीओं के द्वारा, दादा गुरु जी। हाँ चलो, उनके एक शिष्य थे श्री गोविंद दास जी। अच्छा जी, महाराज बहुत त्यागी महापुरुष थे जी। अच्छा, लेकिन जो पुराने कलकत्ता यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे वो उस टाइम के। अच्छा जी, पुराने जमाने के। अच्छा जी, हाँ जी, उनका जो सिस्टम अलग ही था, बहुत बहुत त्यागी महापुरुष थे वो जी, बहुत त्याग की मूर्ति थे बिल्कुल, मतलब हमारे गंगा के किनारे पे उन्होंने समय व्यतीत कर दिया जी जी। तो मेरे ख्याल से उस टाइम के जो जो दादा गुरु की आप बात कर रहे हैं जी, क्या नाम था दादा गुरु का? दादा गुरु जी का था श्री श्री प्रियदास जी के जो गुरु हाँ, जी हैं वो श्री बंसीदास जी, बंसीदास जी। मेरे ख्याल से बंसीदास जी जैसे संत उस एरिया में जी, पलवल फरीदाबाद उस एरिया मेरे ख्याल से फिर इतने सिद्ध संत शायद पलवल फरीदाबाद ही नहीं जी, केवल मथुरा आगरा मथुरा इधर उधर, मतलब बहुत राजस्थान जी जी जी, पूरे मतलब ऑल इंडिया वर्ल्ड समझो बिल्कुल आप जी जी, जी। उनके सब जगह स्थान है, स्थान है जी। और बहुत ही सिद्ध थे, बहुत दयालु मूर्ति थे, बहुत ही ज्यादा सिद्ध मूर्ति थी। तो आप वहाँ अपने गांव में घोड़ी में जाते रहे हैं शुरू से ही? बिल्कुल, बचपन से, बचपन से आप जाते रहे हो इनके पास, बचपन से उनका साथ किया है। अच्छा, बचपन से ही कृपा रही है। तो प्रियदास जी किस उम्र में वहाँ से आ गए थे? तकरीबन ऐसे कोई 14-15 साल की उम्र होगी, 14-15 के साल में तो वहाँ आश्रम छोड़ आए थे, मतलब मंदिर छोड़ आए थे, फिर इधर आ गए थे यूपी साइड में। अच्छा, तो मेरे ख्याल से संत महात्मा आने शुरू हो गए ना जी, 12 बजे का टाइम है ना जी? नहीं, 11 बजे का टाइम है, 11 बजे का टाइम है। अच्छा, हाँ तो 11 बजे नहीं होने। साधु संत पेड़ का काटा हुआ।
आ जाइए, इसका काम है सब समझ जाइए। आ जाइए के सारे
आप खड़ा होते हैं बाबा जी हमको फोन हाँ जी हाँ लूंगा जेठाराम जी जेठाराम जी ले जा रहे ये सब
आलू राम जी वो आलू की सब्जी है भाई जी भाई साहब लड्डू राम ये तो भाई नहीं हो रहा हूँ कि बालक से बालक ने नाट गया नुका को मंगाई का था तो जितना चाल है मुंह मारना दे रहा दोगा चल दोगा बीच में नहीं है दोगा ये मुंह का दे रहा है बड़ी आ गई जी पूरी राम जी अपने बताया था पूरी राम जी
ये जुकर नाम पास से दे देंगे कलाव अन्न नाम के पहले देने पड़े दलाल ना तो जो तू है कोई बात ना नाम के पास से दे देंगे अरे कब से ले ये ठीक अरे पटे तू लखाओ कब से दे देना रे ले ले पड़ता हेलो नंबर कौन है मेरा ये नंबर चलाओ
आप लोग ऐसे ही संतों की सेवा में लगे रहें। ये वो नहीं काम होगा, वो नहीं काम होगा, वे तो बुजुर्ग थे ना भी बुजुर्ग संतों की सेवा में लगे, तो हमारे संत ही हैं। हाथ होगा जल्दी, ये बहुत बड़ी बात है, हाथ होगा जल्दी। गुरु के नाम से जो भी है 0000 छब्बीस हाँ 0000 तीन लोग ही 399 छब्बीस हाँ 399 छब्बीस हाँ जी हाँ संत सेवा में लगे हुए बहुत दिन से बहुत पुराना साथी है 999 126 सही बात है। हां चौधरी पांच में ले लो अपना भाई साहब ने। अरे कोई बात सेवा ना पर गोरे नारे सोनू जो विवेक का नंबर है नंबर भाई है ना। हां जो विवेक का नंबर भाई साहब का है बेटा भाई साहब जो विवेक का नंबर सब में मिलता है। फंक्शन करें हमें बुलाना बिल्कुल जी बिल्कुल के साथ आनंद करेंगे, टाइम निकाल के आएंगे। सभी भक्त समाज की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, श्री राम जय राम जय जय मारो मैया जी। वाह।